डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस कैसे बनाई जाते हैं। डिजिटल दुनिया में लोग अपना अधिक समय ऑनलाइन इंटरनेट पर देते हैं, इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि हम अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे लाएं, कैसे इसे ग्रो करें, कैसे इसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हमें हो गया है। तो बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें सोशल मीडिया पर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, एड्स का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम बिजनेस को अपनी डिजिटल मार्केटिंग लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्रैफिक, कन्वर्सन, लीड जनरेशन ऐसे साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनाया जाता है। सेवन स्टेप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाए, यानी कि 7 स्टेप में डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं, इस चीज़ को हमें जानना जरूरी है। तो 7 स्टेप हम चलते हैं, बताते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए निम्नलिखित में से 7 स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें पहले नंबर की जो स्ट्रेटजी है उससे हम एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे हम घर से निकलने के बाद एक लक्ष्य बनाते कि हमें कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, और वैसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हमें भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जैसे कि अगले एक महीने या एक साल में कितना वेबसाइट ट्रैफिक और फॉलोवर और लीड चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करना होगा। जैसे स्मार्ट का मतलब है, एस का मतलब है विशिष्ट, स्पेसिफिक, और जैसे आप माप सकें, एम का मतलब है मेजोरेबल, अब ए का मतलब है जिसे आप प्राप्त कर सकें, अटेनेबल, और आर का मतलब है उपयुक्त, उपयुक्त या सही यानी कि रिलीवेंट, और टी का मतलब है टाइमली गोल यानी समय से उसे हम पूरा करें। तो इतनी स्मार्ट का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यदि हमें मार्केटिंग करना है। तो अब है दूसरा स्टेप इसका, वर्तमान की डिजिटल मार्केटिंग के लक्ष्य को समझें। डिजिटल मार्केटिंग का क्या लक्ष्य है हमें इसको पहले समझना होगा। पहले हमें स्मार्ट चीज़ को समझना होगा, दूसरा है वर्तमान में डिजिटल मार्केटिंग के लक्ष्य को हमें समझना होगा। अगर हम पहले से ही कोई अपना लक्ष्य मार्केटिंग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने तरीके से नहीं, मार्केटिंग के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें यह निश्चित करना होगा कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है और हमें सबसे अच्छा मार्केटिंग चैनल को जानने में मदद मिलेगी कि सबसे अच्छा मार्केटिंग चैनल कौन सा है, किस पे सबसे ज़्यादा विजिटर हैं और किस पे सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ है यानी कि ट्रैफिक है। तो इसको समझने में हमें बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, PPC एड्स, तो हमने जो ये ऊपर बताया गया जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल को हमें पहले समझना होगा। ये डिजिटल मार्केटिंग चैनल है, इनको हमें समझना होगा कि कौन सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बिजनेस ला रहा है यानी कि लीड ला रहा है, सबसे कौन से हमें सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स को ला रहा है और हमें मार्केटिंग चैनल को सबसे पहले अधिक बिजनेस ला रहा है और सबसे अधिक हमें उस पर फोकस करना है। जो हमें सबसे ज़्यादा लीड दे, सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारा चलने में सहायता करे, तो उसी चैनल को हमें फोकस करना है। अब तीसरा स्टेप है डिजिटल सेल्स फनल को हम कैसे समझें। जब कोई नया कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को एक बार देखता है पर कई बार खरीदता है, तो उसकी पूरी यात्रा को हम सेल्स फनल कहते हैं। तो डिजिटल सेल्स फनल क्या है, जब कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को एक बार देखता है और कई बार खरीदता है, तो इस पूरे टाइम को हम सेल्स फनल कहते हैं। अगर हमारे बिजनेस का ऑनलाइन मौजूद है तो यह करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। सेल्स फनल यानी कि किसी अजनबी द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना की यात्रा को सही तरीके से पूरा करना और हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ जरूरी स्टेप को पूरा करना होगा। जैसा कि नीचे बताया, पहले क्या करना होगा, हमें अपने कस्टमर को जागरूक करना होगा। तो नए कस्टमर को जब हमें जागरूक करना होता है तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसे बताना होता है। प्रोडक्ट्स के बारे में जब वो जागरूक हो जाएगा या प्रोडक्ट्स के बारे में हम उसे जानकारी देंगे, तो कस्टमर जागरूक होकर गूगल एड्स या फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें मतलब कस्टमर को जागरूक करना है तो हम गूगल एड्स यानी एड्स दे करके, जैसे वीडियो में एड्स देते हैं ना, वो एड्स दे करके या फेसबुक एड्स दे करके हमें अपने कस्टमर तक पहुँचना होगा। उसे जागरूक एड्स देकर ही हमें करना होगा। दूसरा, इंटरेस्ट बढ़ाकर हमें अपने कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ाएंगे, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करेंगे पहले, फिर अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे कस्टमर को इंटरेस्ट बढ़ने लगे। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है, इससे लोग हमारे पास आने के इच्छुक रहेंगे।
प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए वीडियो या ब्लॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब वीडियो का जो हमें बताना है तो उसे हम वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, ब्लॉग बनाकर डाल सकते हैं, कस्टमर को व्यस्त करें। अब जब एक बार कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स के इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो हमें और भी अधिक कंटेंट या जानकारी दे करके उन्हें इतना व्यस्त रखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर कहीं ना जाएं। फिर जब हम इतना सब कह देंगे तो फिर हम उसे खरीदने के लिए कहेंगे। एक बार जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी जुटा लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो उसका खरीदने का मन होने लगता है। उसी समय अपने ऐप्स या ईमेल या इस्तेमाल करके कुछ डिस्काउंट या ऑफर देकर हम प्रोडक्ट को उसको खरीद लेते हैं। ऊपर बताए गए चारों स्टेपों को ही सेल्स फनल कहा जाता है। तो सेल्स फनल क्या है कि कस्टमर को जागरूक करें, कस्टमर की रुचि बढ़ाएं, कस्टमर को व्यस्त कहें और कस्टमर को खरीदने को कहें। ये चार स्टेप आपके सेल्स फनल में हो गए। अब है बायर परसोना बनाएं। ये बायर परसोना क्या भैया? अपने कस्टमर तक पहुंचने से पहले हमें अपने कस्टमर के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो कस्टमर के बारे में पूरी जानकारियां हमें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी जानकारी है, जैसे बायर परसोना। बायर तो जानते खरीदने वाला, परसोना मतलब पर्सन, सीधी सीधी बात है। तो किस उम्र के होने चाहिए, किस लोकेशन में ज़्यादा है, किस कौन सी चीज़ें पसंद है, ये जानकारी हमें इकट्ठी करके लिख लेना ही बायर परसोना कहलाता है। हम पहले अपने कस्टमर को एक कहानी बताएं, कहानी सी बनाए। ये कहानी बनाए कैसे, कहानी बनाए या एक मैटर बनाए, और कि आपका कस्टमर क्या करता है, कहाँ रहता है, कौन सा डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। सटीक जानकारी जुटाएं, सही जानकारी जुटाएं, किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम कोई चीज़ उसे भेज दो, कैसे आप उनकी समस्या को हल कर सकते हैं इत्यादि, इसकी जानकारी आपको जुटानी। बायर परसोना का उदाहरण जैसे सचिन की उम्र 27 साल है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पसंद है, ये हमेशा कुछ अलग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऊपर बताए गए उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बायर परसोना कैसे बनाते हैं। कंटेंट प्लान बनाएं। एक बार जब हमारे पास ऊपर बताई गई सभी जानकारी मौजूद है तो हमें कंटेंट प्लान बनाना होगा। हमें अपने कंटेंट में क्या है, कितना है, कंटेंट क्या होता है। तो कंटेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स में मिला हो तो उसे हम कंटेंट कहते हैं। जैसे जैसे कोई जलजीरा ले लें तो उसमें जो बैक पैक में कोई कंटेंट्स देते हैं, कोई टैबलेट में कंटेंट्स देते हैं, जो कंटेंट्स है कि कितना मिला है, क्या है और कैसे बना है, कि इस विचार करना होगा। फिर हमें इस कंटेंट का इस्तेमाल करके हम कस्टमर की सेल्स फनल से गुजरेंगे। इस प्रकार हमें कंटेंट स्ट्रेटजी के सारे काम करने होंगे, जैसे कि आपको कीवर्ड स्ट्रेटजी बनाना होगा, कीवर्ड स्ट्रेटजी बनाना होगा, एक कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा। तो कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट वही बताया कि क्या क्या मिला है, कैसे क्या है, तो ये बनाना होगा। आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है, बहुत साफ रहना, आप पब्लिश करने का समय, मतलब हर चीज़ को एक समय से करना होगा। लिस्ट है, लक्ष्य है, पब्लिश करना। पब्लिश क्या होता है कि अपने जैसे कोई प्रोडक्ट से आज हमें 9 बजे हमें एड्स डालना है तो 9 बजे उसका एड्स डल जाए, उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाए। तो ये होता है कौन से कीवर्ड डालना है। कीवर्ड जैसे हमारा मिर्च का प्रोडक्ट्स है तो हमें उसमें चिली डालना है, कीवर्ड्स लिस्ट बनाना है कि क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके से बनाना है। अब तीसरा पॉइंट है किस सोशल मीडिया पर कैसा पोस्ट डालना। अब सोशल मीडिया तो कई प्रकार के, फेसबुक है, यूट्यूब है वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम है, तो किस सोशल मीडिया पर कैसा हमें अपना प्लान बनाना है, पोस्ट करना है, इसका प्लान बनाना भी सब जरूरी होता है। चौथा स्टेप कि सीटीए या विजिट का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर को हमें व्यस्त रखना होगा और उसकी समस्या को हल करना होगा। हमें जब प्रोडक्ट्स जब खरीदता है तो हमें उससे समस्या पूछ, कोई समस्या आई, कैसे क्या है, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा। तो एक बार जब कंटेंट बनाकर तैयार हो जाता है तो डिजिटल मार्केटिंग का ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करके मार्केटिंग यात्रा को बहुत आसान बना सकते हैं। फिर हम रिजल्ट का पूरा विश्लेषण करें, मतलब कि रिजल्ट हमने इतना सब किया तो क्या रिजल्ट निकला हमारा, कि एक बार जो हमने सेल्स फनल को इस्तेमाल कर दिया या शुरू कर दिया, इसके बाद कई चीज़ों को एनालाइज कर दिया हमने कि कस्टमर कंटेंट्स कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं हमारे कस्टमर, या दूर तो नहीं जा रहे हैं, और हमारे कस्टमर को क्या समस्याएँ आ रही हैं, इस चीज़ का विश्लेषण करें। यह सभी जानकारी हमें समझने में मदद मिलेगी, इससे हम क्या सही करें और क्या गलत कर रहे हैं इस डिजिटल मार्केटिंग से, और अच्छी तरह भी हम पूरा कर सकते हैं।